अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसी भाई का सवाल आया, क्या लेट कर कुरान पढ़ना जायज़ है, क्या इसकी गुंजाइश है? जवाब, हाँ, लेट कर कुरान पढ़ सकते हैं। दलील क्या है? दलील भी मौजूद है। बाज़ लोग हमारे समाज व मुआशरे में लेट कर कुरान पढ़ने को बेअदबी समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि लेट कर कुरान पढ़ा जा सकता है। दलील सूरह आल इमरान की आयत है। अल्लाह ने कहा, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं क़याम की हालत में यानी खड़े होकर, बैठ कर, व अला जुनूबिहिम और अपने पहलू के बल यानी लेट कर। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन निसा की एक आयत में कहा, फ़इज़ा क़ज़ैतुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, जब तुम नमाज पढ़ लो तो उसके बाद, नमाज से फारिग होने के बाद, अल्लाह का जिक्र करो खड़े होकर, बैठ कर और अपने पहलुओं के बल यानी लेट करके। ये कुरान की दो दलीलें हुई। इसके अंदर क्या मौजूद है? अल्लाह का जिक्र एक बंदा खड़े होकर भी कर सकता है, बैठ कर भी कर सकता है, लेट करके भी कर सकता है, और अल्लाह के जिक्र में कुरान मजीद की तिलावत करना भी शामिल है। हदीस से दलील लीजिए। सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्रा अल-कुरान व रअसुहु फी हिज्र व अना हाइज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे और आपका सर मेरी गोद में होता था और मैं हैज़ की हालत में हुआ करती थी। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह करते हुए लिखा, फी ही जवाज़ु क़िराअतिल क़ुरआनि मुस्तजिअन व मुत्तकिअन। इस हदीस के अंदर कुरान को लेट कर और टेक लगा कर पढ़ने की दलील मिलती है। तो लेट कर कुरान पढ़ना जायज़ है। अगर कोई लेट कर कुरान पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ सकता है। वल्लाहु आलम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।